गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा स्वराज का शुभारंभ किया। 75 कड़ियों की यह श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वराज श्रृंखला का प्रयास भारतीयों को अपनी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ग्रंथों पर गौरवान्वित कराना है। उन्होंने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आग्रह किया। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्ला खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विविध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश के को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है और अंततो गत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस श्रृंखला के माध्यम से युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के अनछुए पहलू युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान नए भारत का उदय देखा जा रहा है और संपूर्ण विश्व भारतीय ध्वज की ताकत को स्वीकार कर रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मैं जरूर यहां पर कहना चाहता हूं। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। लगभग 20,000 युवाओं को रेडियो स्टेशन आकर रेडियो जॉकी बनने का अवसर भी मिला और अनसंग हीरोज के बारे में बात करने का अवसर भी मिला है। 4.5 करोड़ से ज्यादा फ्री डिश कनेक्शन आज देशभर में है, जहां गरीब भी बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम आज देख पा रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मित्रों, आज मेरा दिल इसलिए भी आनंद से भर उठा है क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत और आजादी की गौरव गाथाओं से सजा हुआ एक ऐसा धारावाहिक हम आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाम भी स्वराज है और स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से बढ़कर कौन जानता है। आपको बता दें कि इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अगस्त से रात 9 बजे से 10 बजे तक अंग्रेजी के साथ साथ 9 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा।